जब तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा नहीं। मैं सब सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि क्या मैं खूबसूरत नहीं, जवान नहीं, तुम्हारा कदरदान नहीं, और क्या मैं पहलवान नहीं, और क्या मैं शादी के काबिल नहीं? बता, तूने शादी से क्यों इनकार किया? एक बार नहीं सौ बार करूंगी। मैं इसकी वजह जानना चाहता। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं। मैं आपके दिल में समा चुकी। नहीं। मैं आपके ख्वाहों में आती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए दुनिया में हजारों लड़कियां हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, मैं हजारों लड़कियों के राशन का बंदोबस्त नहीं कर सकता। मेरा तो अपना राशन कार्ड नहीं बना। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? तुम मेरा कहना नहीं मान सकती? मुझे मर्दों पे भरोसा नहीं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। सब मर्द एक जैसे होते हैं। ये झूठ है, इल्जाम है, बहुतान है। आप झूठे हैं, मक्कार हैं। क्यों झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होंठ पे जुल्म कर रही? क्या गुस्सा है, क्या नाराजगी है। सुनो, हमारे गांव में चाचा करबद्दीन उर्फ दीना कच्छियों लड़ा करते थे। वो 47 की लड़ाई में फौज की तोपों को मालिश किया करते थे। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि बेटा जनानी, आप जनानी का मतलब समझती? जनानी का मतलब है कि औरत। उन्होंने कहा कि बेटा जनानी यानी कि औरत की खूबसूरती देखनी है तो उसको नाराज कर दो। छोड़िए इन फजूल बातों को। सुनिए, मैं कल पिकनिक पे जा रही हूँ, आप ही मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि वहाँ एक से एक अच्छी लड़की होगी, उन्हें देखकर आप मुझे भूल जाएंगे। क्योंकि ये मर्दों की फितरत है, वो बाजार में कागज के फूल देखकर घर की चमेली को भूल जाते हैं। जो लोग कागजी फूल देखकर घर की चमेली को भूल जाते हैं, उनकी आंखों में मोतिया होता है, कूकरे बड़े हुए होते हैं। बहरहाल कल मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा और तुम्हारी सहेलियों को अच्छी तरह देखूंगा। सुरैया, ओ सुरैया, शिपोली डोर ले पिटी पिटी केवी। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैं कुछ चुराने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूँ। दिन के 2 बजे तक सोने का टाइम। मैं पूछती हूँ। मैं पहला सवाल करूंगा। कैसा सवाल? कल गाड़ी में तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हें इससे क्या मतलब? हेलो, तुम्हें इससे क्या मतलब की बच्ची? वो रात मेरी ख्वाब में आया था, तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कई लड़कियों को बुलवाया था ताकि मैं उनमें से किसी एक पर लट्टू हो जाऊं और तुम्हारा दामन छोड़ दूं। लेकिन मैंने तुम्हारा दामन पकड़े रखा, इतने में वो पागल का पुत्र आ गया और आते ही उसने एक जोरदार तमाचा मुझे मारा। अगर मेरी आंख न खुल जाती तो उसका जिस्म उसके बाजू अलग हो जाता। माफ करना, गलती हो गई। अब तुम्हें मेरी इस गलती का अंदाजा हो गया होगा कि मेरे बाजू में कितनी ताकत है। मैं जब चाहूं तुझे मार सकता हूं, जब चाहूं तेरी गर्दन तोड़ सकता हूं। और मेरी बात को गौर से सुनो और पल्ले बांधो। अगर प्यार से समझाओगी तो जान भी ले सकती हूँ, और अगर आंखें दिखाओगी तो मैं वो मौज हूं जो साथ में टकराकर वापस नहीं जा सकता। जवाब दो, शादी करोगी? तड़प क्यों उठी हो, पड़े क्यों उठी हो? मैं पूछता हूं, शादी करोगी? जवाब दो। तुम प्यार की बात समझते हो? हाँ। तो फिर मैं भी नहा कर आई। जल्दी आना, धक्का नहीं दियो, बात करें, जल्दी आओ ताकि मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। लड़की फंस गई, ये कम हो गया, वो जेल यक्ष पै गया।
थाने से बोल रहे हो? हाँ मैं थाने से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। सलामकुम भाईजान, क्या हाल है? मैं भी उनको टेलीफोन देता हूँ। सुरैया, ओ सुरैया, ओ खेवैया, सुरैया। शादी करने का आरसूमंद है। क्यों, चल गए? हाँ तो तुम कर रही हो उससे शादी? मेरे ख्याल से तो बाकी फख्तर। वैसे डैडी ने बचपन में जबान दे दी थी। बताओ आदमी कैसा है? तरबूज और आदमी का क्या पता कि अंदर से कैसा निकले। वैसे लड़ने में जीदार, बाजा बजाने में माहिर और बातें करने में बहुत मजेदार है। अच्छा 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 बाबा, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ क्लब कब पहुँच रही हो? अभी अभी थोड़ी देर में। बाय। मोरे अदरिया पे कागा बोले मोरा जिया टोले कोई आ रहा है। पम 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 जले। ए क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे ही चली जा रही हो? शर्म तब आती है जब दिल में कुछ होता है। दिल में कुछ ना होने का ये मतलब तो नहीं कि बदन पर भी कुछ ना हो और इंसान नंगा ही चला है। सुनो, जिंदगी मेरी आरज़ू के मुताबिक गुजारो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना टूट जाए। मैं क्या बकवास करूं, कंगी किया जा रही है? थाने से टेलीफोन किसका था? वो मेरी एक सहेली के भाई का था। मगर वो तो कह रहा था कि मैं थाने से बोल रहा हूँ। वो उसकी मजाक की आदत है। मैं ऐसा घटिया मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस लफंगे को कह देना अगर आईंदा उसने ऐसी बात की तो मैं उसे उचक्कों के हवाले कर दूंगा। अच्छा अब तुम बाहर चलो, मैंने कपड़े बदल दिए। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो मेरे सामने बदलो कपड़े। क्या? मेरा मतलब है कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कि बाजा कब सुनोगे? तुम ऐसा करो कि छत पे कुर्सियां ले चलो। जा, छत पर कुर्सियां मैं लेके जाऊं? तू मुझे अपने नीचे लगाना चाहती है? ये मेरी गैरत के खिलाफ है, मेरी मर्दान की तौहीन है। अरे मेरा ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर मैं किसी और से कहूंगी तो घर वाले इतराज करेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि हम ऊपर क्या करने जा रहे हैं, अगर आप लेकर जाएंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेंगे, समझे? समझ गया। मैं तो ये समझता था कि मैं ही बड़ा समझदार हूँ, लेकिन आज पता चला है कि मैं कितना ना समझ हूँ। समझ समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। कि पकलो सिनार रे, कि पकलो सिनार। Oh!
उम्र दीजिए, मैं मालिश कर दूं। छोड़िए भी, जब लड़का जवान है तो उससे टकराने की क्या जरूरत है? मैं टकराती हूँ उससे। तो मैंने कहा था कि आप उससे टकरा जाए, आपको तो मजाक सूझता है। सूझता तो बहुत कुछ है मगर सोच के रह जाते हैं। तो आप देख के सोचते रहिए, देखिए कहीं कमर ना गिर जाए। तो चलो